हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 15 जुलाई 2024 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2025 को लेकर आईपीएल की सभी टीमों के रिगार्डिंग और भारतीय टीम को लेकर भी जितनी भी बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो आज के दिन की सबसे पहली अपडेट हमें देखने को मिली है आईपीएल के ऑक्शन के रिगार्डिंग, जहां पर इस बार आईपीएल में हम सभी लोगों को मेगा ऑक्शन देखने को मिलने वाला है। और रिपोर्टेडली इस बार जो आईपीएल के मेगा ऑक्शन का सबसे पहला ड्राफ्ट बनेगा उसमें हमें टोटल 1152 प्लेयर्स का नाम शॉर्टलिस्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जनरली आईपीएल का जो मेगा ऑक्शन होता है उसमें 1500 प्लेयर्स के अराउंड देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार ये कट डाउन इसीलिए किया जा रहा है ताकि बीसीसीआई अपना टाइम सेव कर पाए। पास्ट में भी अननेसेसरी ऑक्शन के चलते काफी लंबा ऑक्शन खींच जाता है, लेकिन इस बार बीसीसीआई पहले से ही उन 200 से 300 प्लेयर्स को एलिमिनेट करना चाह रहा है जिनको 10 की 10 आईपीएल टीमें खरीदने में बिल्कुल ही इंटरेस्टेड ना हो। यानी कि अगर 10 की 10 टीमों ने किसी प्लेयर के ऊपर पहले ही बिल्कुल मना कर दिया कि इस प्लेयर को तो हम बिल्कुल भी नहीं लेने वाले, जिसमें कि मोस्टली पाकिस्तान के प्लेयर्स के नाम होते हैं, तो ऐसे में इन सभी प्लेयर्स को पहले ही बाहर कर दिया जाएगा और इनको जो फाइनल ड्राफ्ट बनाने की प्रोसेस है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से टोटल 1152 प्लेयर्स के नाम हमें देखने को मिले हैं। जो सारे प्लेयर्स की लिस्ट है ये हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड करने वाले हैं, तो आप लोग अभी फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर वहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। एक एक करके सभी आईपीएल टीमों की रिटेन लिस्ट भी हम वहां पर अपलोड करेंगे। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट देखने को मिली है दिल्ली कैपिटल्स की साइड से। अभी रिसेंटली दिल्ली कैपिटल्स के जो हेड कोच हैं रिकी पोंटिंग, उन्होंने इस टीम को छोड़ दिया था, जिसके बाद इन्होंने सौरव गांगुली को अपनी टीम का नया हेड कोच अपॉइंट कर दिया था। और अब रिपोर्टेडली दिल्ली कैपिटल्स की टीम एक नई जर्सी के साथ हमें उतरते हुए देखने को मिल सकती है। जर्सी में दिल्ली कैपिटल्स की टीम पिंक और ब्लू कलर का यूज करती है, लेकिन हो सकता है कि अब डीसी पूरा का पूरा स्काई ब्लू कलर की जर्सी के साथ उतरते हुए नजर आए। इसके साथ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि शायद ऋषभ पंत की कैप्टनसी को लेकर भी फाइनल डिसीजन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब से ऋषभ पंत कैप्टन बने हैं तब से डीसी का टीम का परफॉर्मेंस काफी अनस्टेबल रहा है। तो ऐसे में ये टीम अक्षर पटेल को कैप्टन बनाने के ऊपर भी विचार कर रही है, जिससे कि ऋषभ पंत अपनी बल्लेबाजी के ऊपर काफी अच्छे तरीके से फोकस कर पाए। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है आरसीबी की टीम के रिटेन्ड प्लेयर्स के रिगार्डिंग। आरसीबी की साइड से ऑलरेडी दिनेश कार्तिक हमें रिटायरमेंट अनाउंस करते हुए नजर आ चुके हैं, और ऐसे में रिपोर्टेडली आरसीबी जिन प्लेयर्स को रिटेन करने वाली है उनमें सरप्राइजिंगली हमें विल जैक्स का नाम देखने को नहीं मिल रहा है। आरसीबी की टीम की रिटेंशन कुछ इस तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जिसमें विराट कोहली, मोहम्मद सिराज और उनके साथ ही कैम ग्रीन का नाम तो है, लेकिन इसके साथ ही आरसीबी की टीम में हमें विल जैक्स का नाम देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप सिर्फ एक ही फॉरेन प्लेयर को रिटेन कर पाएंगे। ऐसे में कैम ग्रीन या फिर विल जैक्स में से आरसीबी एक ही प्लेयर को रिटेन कर सकती है, और रिपोर्टेडली आरसीबी की टीम कैम ग्रीन के साथ बातचीत में है कि कैम ग्रीन के ऊपर ये उनके करंट प्राइस यानी कि 17 करोड़ रुपए देने को तैयार नहीं है। ये चाहते हैं कि कैम ग्रीन किसी कम प्राइस स्लॉट में इनके पास रिटेन हो जाए, यानी कि अगर ये 10 से 11 करोड़ में कैम ग्रीन को रिटेन कर पाते हैं तो फिर वो काफी अच्छी रिटेंशन साबित हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट आईपीएल में उन्होंने काफी ज्यादा खासकर सेकंड वाले हाफ में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया था। आरसीबी को ऐसा लगता है कि विल जैक्स को वापस से कम प्राइस में परचेज कर सकते हैं अगर हम कंपेयर करें कैमरन ग्रीन के प्राइस से। कमेंट करके आप लोग बताना विल जैक्स या फिर कैम ग्रीन किसे आप लोग आरसीबी की टीम में रिटेन होते हुए देखना चाहते हैं। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है सौरव गांगुली की साइड से, जहां पर सौरव गांगुली ने कहा कि जब उन्होंने रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया था तो उस टाइम पर उनकी काफी आलोचना की गई थी, काफी सारे लोगों ने उनको अब्यूज भी किया था कि आपने विराट कोहली को हटाकर रोहित को कैप्टन क्यों बनाया है। लेकिन आज जब रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप का टाइटल एज अ कैप्टन जीत चुके हैं तो कोई भी उनको तारीफ करने के लिए नहीं सामने आया। इसके साथ ही किसी को अब ये याद भी नहीं होगा कि वो सबसे पहले इंसान थे जो सबके अगेंस्ट जाकर रोहित शर्मा को लिमिटेड ओवर्स में कैप्टन बनाना चाहते थे। तो एक तरीके से सौरव गांगुली का इशारा उन लोगों की तरफ था जो कि सेलेक्टर होने के नाते और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट होने के नाते उनको काफी ज्यादा ट्रोल करते हैं। एक तरीके से उन्होंने उनको रिप्लाई करके ये बताया कि उनके लिए भी जो चीजें होती हैं वो इतनी आसान नहीं होती हैं जितना कि बाहर से देखने को मिलता है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है भारत का जो श्रीलंका दौरा हमें देखने को मिलने वाला है उसके शेड्यूल में हमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं। अब अगर बात की जाए कि नया शेड्यूल किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, तो स्क्रीन के ऊपर आप लोग पूरा भारत श्रीलंका का नया शेड्यूल देख पा रहे होंगे, जहां पर T20 मुकाबलों की सीरीज 27 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। पहला मुकाबला 27 तारीख को हमें देखने को मिलने वाला है, दूसरा T20 मुकाबला 28 जुलाई को खेला जाएगा, और तीसरा T20 मुकाबला हम सभी लोगों को 30 जुलाई को देखने को मिलेगा। इसके बाद हम ODI फॉर्मेट की तरफ जाएंगे, जहां पर 3 ODI मुकाबलों की सीरीज हम सभी लोगों को 2 अगस्त से स्टार्ट होते हुए नजर आएगी। इसके बाद सेकेंड ODI मुकाबला हमें 4 अगस्त को और तीसरा और आखिरी ODI मुकाबला हमें 7 अगस्त को देखने को मिलेगा। तो जो तीसरा ODI मुकाबला है और जो दूसरा T20 मुकाबला है उसकी डेट में हमें चेंज देखने को मिला है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट,
और ये अपडेट निकल कर आ रही है इरफान पठान की साइड से, जहां पर अभी रिसेंटली हमें WLC देखने को मिला था, जिसमें इंडिया चैंपियंस और पाकिस्तान टाइगर्स के बीच में हमें फाइनल देखने को मिला था, और यहां पर भारत की टीम ने एक बार फिर से पाकिस्तान को हराकर इसका टाइटल जीत लिया है। तो ऐसे में इरफान पठान को एक बार काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था पाकिस्तान के प्लेयर्स के द्वारा। जब इरफान पठान और यूसुफ पठान की लड़ाई हुई थी तो उसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स का कहना था कि इरफान पठान जब भी भारत और पाकिस्तान की टीम का मैच होता है तो पाकिस्तान को काफी ज्यादा ट्रोल करते हैं, लेकिन उस लीग मुकाबले में भारत की टीम हार गई थी, तो ऐसे में इनको काफी ट्रोल किया गया था। लेकिन अब इरफान पठान ने रिप्लाई किया है, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की टीम चाहे कितने भी लीग मुकाबले जीत जाए, लेकिन जब मुकाबले मैटर होने वाले आते हैं, यानी कि जैसे ही वर्ल्ड कप का फाइनल या फिर कोई लीग स्टेज मुकाबला हो, तो भारत की टीम हमेशा ही पाकिस्तान पर भारी पड़ती है, और पाकिस्तान की टीम को इस बात को अपने दिल और दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि भारत की टीम हमेशा उनको बड़े स्टेज पर डोमिनेट करती आई है और आगे भी डोमिनेट करती रहेगी। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की आखिरी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है रोहित शर्मा के लिए। रोहित शर्मा के फैंस को काफी खुशी खबर कर देगी, क्योंकि रोहित शर्मा का कल कोई स्टेज के ऊपर कार्यक्रम था जहां पर रोहित शर्मा से पूछा गया था कि क्या वो रिटायरमेंट तो नहीं लेने वाले, क्या वो ओडीआई या फिर टेस्ट से भी बहुत जल्दी तो रिटायर नहीं हो जाएंगे। तो रोहित ने कहा कि यू विल सी मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि आप आने वाले काफी सालों तक, यानी कि एटलीस्ट 2-3 साल तक तो मुझे खेलते हुए देखेंगे, जिसके बाद उम्मीदें लगाई जा रही है कि शायद रोहित शर्मा में 2027 वर्ल्ड कप तक खेलते हुए देखने को मिले। तो गाइस ये वीडियो ही तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।